Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena and this is the channel Fame World Educational Hub. You are watching. So if you are new to this channel, I just request you to subscribe Fame World Educational Hub and press the notification bell for the latest uploads. If you are a computer science or information technology student, then this is the right place for you because this channel contains numerous videos related to computer science. So in today's video, I'm just going to discuss the concept of tuple. I hope you have watched the previous lectures in this series. Agar aapne is Python series ke previous lecture nahin dekhe, then I recommend you to just watch them and come back to this one. Here we are just going to start with the concept of tuple, tuples in Python. So we have discussed lists in Python in the previous lecture. You just watch it and come back. So टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन द टपल. वी यूज पैरेंथेसिस टू रिप्रेजेंट द टपल. पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टपल एंड इटरेशंस इन द टपल इज फास्टर देन लिस्ट. इफ यू कंपेयर लिस्ट एंड टपल, देन इटरेशंस इन द टपल आर फास्टर देन लिस्ट. नाउ कमिंग बैक टू द पाइथन शेल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टपल. सो एक टपल क्रिएट करते हैं हम लोग, से tup इज अ टपल एंड इसको पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वैल्यूज देते हैं. इसमें इंडेक्सिंग यहाँ पर नहीं होती है. इटरेशन इज वी हैव गिवन दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड यू कैन सी. सो इट कैन होल्ड रिपीटेड वैल्यूज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस पैरेंथेसिस. एंड इफ वी वॉन्ट टू वर्क विद सम operations, then like I'm just giving 0, so you can see it is returning the index value. So we can handle indexing like this and like this also. When we just go to dot with control space, then you can see here are only two functions available. Tuple ke liye two hi functions available hain. List ke liye bahut sare functions the jo hum logo ne dekhe. टपल में काउंट है और इंडेक्स है. इफ वी जस्ट वॉन्ट टू सी द इंडेक्स ऑफ 23, सो यू कैन सी इट विल रिप्रेजेंट 1. सो अगेन आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए टपल, से जेड एंड इट इज टपल. देयर आर सम वैल्यूज एंड एंटर. सो इफ यू वॉन्ट टू नो द अकरेंस of some particular element, then you can use count. You can see two functions are here, count and index. We have seen the index and count ka use hum log kar sakte hain kisi particular elements ki occurrences dekhne ke liye. So you can see it's returning 0. And again we are giving 22. So it is again returning 0 because we are not having 11 or 22 in this particular tuple. Now I'm just checking for the z tup dot, sorry, z dot count, and I'm giving 11. So you can see 3, z dot count 22, and now you can see 2. So dot tub dot count इस पर्टिकुलर टपल में आपके पास 11 नहीं था, तो 0 काउंट दे रहा है वो. अगेन हमने 11 चेक किया z में, सो काउंटिंग 3. 3 नंबर ऑफ अकरेंस है यहाँ पर, 1, 2, 3. हम लोग किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं इसी तरीके से. यहाँ पर सिर्फ दो ही फंक्शंस होते हैं, 44 के लिए चेक कर लीजिए, तो 1 आएगा. सो दिस इज द मेथडोलॉजी. और इंडेक्स पोजीशन के लिए सपोज हमने जेड डॉट इंडेक्स लिया और से 33, सो इट इज रिटर्निंग 2. तो इस तरीके से हम लोग इसमें वर्क करते हैं. सो आई होप आपको टपल समझ में आया होगा. बेसिकली टपल इम्यूटेबल होता है. वी कैन नॉट मेक चेंजेस का मतलब ये है, जैसे लिस्ट में हम लोग अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट कर पा रहे थे, पॉप कर पा रहे थे, ये सारी चीजें हम लोग टपल में नहीं कर सकते. टपल में सिर्फ इसीलिए दो ही ऑपरेशंस होते हैं, दो ही फंक्शंस होते हैं. एक इंडेक्स होता है टू गेट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड अनदर इज काउंट टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एनी एलिमेंट.
आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन टू द कमेंट बॉक्स फॉर मी टू वर्क ऑन इट टू हेल्प यू आउट. एंड स्टे ट्यून्ड. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.